बच्चों, आज हम रुपए को पैसों में व्यक्त करना सीखेंगे। आज बबलू और मीनू राजू के घर आए हैं। बबलू और मीनू ने राजू के घर पर इस तरह की एक घड़ी देखी और दोनों चौंक गए। जब राजू ने उनसे पूछा कि वे हैरान क्यों हैं, तब उन दोनों ने उससे कहा कि ऐसी बिल्कुल समान घड़ी उन दोनों के घरों में भी है। राजू ने उन दोनों को बताया कि उसके दादाजी ने वो घड़ी केवल 10 पैसे देकर खरीदी थी। तब बबलू ने राजू से कहा कि राजू के दादाजी ने वो घड़ी महंगी खरीदी, उसके दादाजी ने तो केवल 4.25 पैसे देकर वो घड़ी खरीदी थी। तब मीनू ने उनसे कहा कि उन दोनों के दादाजी ने उस घड़ी के ज्यादा पैसे दिए थे, उसके दादाजी ने तो केवल 2.50 पैसे देकर वो घड़ी खरीदी थी। बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछले वीडियो में इन सिक्कों को देखा था? ये सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे, पर अब ये इस्तेमाल नहीं होते। क्या आप एक और मजेदार बात जानते हैं? 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। आइए देखें कि किसके दादाजी ने घड़ी के कितने पैसे दिए। राजू के दादाजी ने घड़ी खरीदने के लिए 10 10 पैसे के सिक्के दिए थे। 10 10 पैसे के सिक्के कुल कितने पैसे हुए? बिल्कुल ठीक, 10 गुणा 10 हो गए 100 पैसे। और 100 पैसे कितने रुपए के बराबर हैं? 1 रुपए के। राजू के दादाजी ने घड़ी 1 रुपए में खरीदी थी। अब देखते हैं कि बबलू के दादाजी ने घड़ी के कितने पैसे दिए। बबलू के दादाजी ने घड़ी खरीदने के लिए 4.25 पैसे दिए थे। क्या आप बता सकते हैं कि बबलू के दादाजी ने घड़ी खरीदने के लिए कितने पैसे दिए थे? जी हाँ, बबलू के दादाजी ने 4 गुणा 25 या 100 पैसे दिए। इस तरह बबलू के दादाजी ने भी 100 पैसे या 1 रुपए में घड़ी खरीदी थी। अब अंत में देखते हैं कि मीनू के दादाजी ने घड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे। मीनू के दादाजी ने घड़ी खरीदने के लिए 2.50 पैसे दिए थे। तो मीनू के दादाजी ने घड़ी कितने में खरीदी थी? 2 गुणा 50 या 100 पैसे में खरीदी थी। अरे ये क्या, मीनू के दादाजी ने भी घड़ी 1 रुपए में ही खरीदी थी। जब राजू, बबलू और मीनू को ये बात समझ में आई कि उन सभी के दादाजी ने घड़ी 1 रुपए में ही ली थी, तो वो जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने रुपए को पैसों में व्यक्त करना सीखा। अगली वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।